नमस्कार दोस्तों, हमारे संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां ही थीं। बाद की जो अनुसूचियां हैं वो हमारे संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई। जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो राज्य हैं और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका प्रावधान संविधान की प्रथम अनुसूची में। संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें वेतन और भत्ते, तो जो भी सरकारी प्राधिकारी उनके वेतन और भत्तों के बारे में प्रावधान हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया, जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, तो इन सबके वेतन भत्तों का प्रावधान संविधान की दूसरी अनुसूची में। संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का प्रावधान किया गया, तो संघ के मंत्री संसद के निर्वाचन हेतु जो भी हमारे अभ्यर्थी संसद के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो शपथ वगैरह जो लेते हैं इसका प्रावधान हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया। संविधान की जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। आप जानते हो कि संसद में दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। उच्च सदन आपका राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा। तो संसद में जो राज्यसभा है, हालांकि ज़्यादा पावर हमारे लोकसभा के पास, लेकिन गरिमा की दृष्टि से देखा जाए तो राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वो अपने अपने विभागों के स्पेशलिस्ट होते हैं। खास बात ये होती है कि चौथी अनुसूची में इन्हें प्रावधान दिया गया, तो राज्यों से जो लोग चुन के जाते हैं उनका प्रावधान कहाँ पर किया गया, चौथी अनुसूची में। आप जानते हो कि जैसे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कुल 31 मेंबर चुने जाते हैं, तो हर राज्य से अलग अलग मेंबर चुने जाते हैं, इसका वर्णन संविधान में किया गया। तो संविधान में चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में। पांचवी जो अनुसूची है इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के व नियंत्रण के बारे में, तो एससी एसटी एरियाज के विषय में जो बात की गई संविधान की पांचवी अनुसूची में, अनुच्छेद 244 के लिए। छठी जो अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा जाता है, कई बार आपको इनमें से कोई एक राज्य रख देते हैं और पूछते हैं इनमें से कौन सा राज्य है जो छठी अनुसूची में शामिल है या नहीं शामिल, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र शामिल है। हालांकि दक्षिण गोरखा परिषद क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। दक्षिण गोरखा परिषद क्षेत्र आपका दार्जिलिंग का जो इलाका है वो है आपका छठी अनुसूची। तो आगे बढ़ते हैं, सातवीं जो अनुसूची इसमें केंद्र और राज्यों के विषय हैं। तो आप जानते हो कि तीन भागों में इन्हें बांटा गया, संघ सूची यानी ऐसे विषय जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं नेशनल लेवल पे, तो उन्हें संघ सूची में रखा गया। मूल रूप से 97 विषय थे, फिलहाल 98। राज्य सूची ऐसे विषय जो रीजनल लेवल पे जिनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, जो क्षेत्रीय विषय होते हैं, मूल संविधान में इनमें 66 थे लेकिन अब 59 विषय हैं। और समवर्ती सूची में फिलहाल हमारे जो विषय हैं वो 52 हैं, हालांकि पहले 47 विषय ही थे। तो ये आपकी सातवीं अनुसूची, इसमें संघ और राज्यों के विषय शामिल हैं, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सातवीं अनुसूची। जो आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, यानी कि संविधान में जो भाषाओं का उपबंध है वो कहाँ पर है, आठवीं अनुसूची में। मूल जो संविधान था उसमें 14 भाषा थी, वर्तमान में आपकी 22 भाषा है। याद आपको ये रखना है कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी सिंधी जोड़ी गई है, तो सिंधी को कब जोड़ा गया, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आपको याद रखना कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 1992 में 71 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और तीसरा आपको याद रखना है बोंडोन, डोगरी, मैथिली, संथाली, और ये संविधान संशोधन था 92। तो 92 संविधान संशोधन में चार जोड़ेंगे, बोंडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो आपको पहले याद रखना है 21वां संविधान संशोधन, तो इसमें सिंधी, इसके बाद आपको याद रखना है 71वां संविधान संशोधन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और फिर आपको याद रखना है 92 संविधान संशोधन, बोंडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देखिए 21 को अगर आप 71 से जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा, तो इससे आप ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखनी है आठवीं अनुसूची वर्तमान में समय में कुल आपकी 22 भाषाएं। देखिए जो मूल संविधान था उसमें कुल 8 ही अनुसूची थी, नवीं अनुसूची हमारी संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। खास बात आपको याद रखना है कि नवीं अनुसूची की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप जानते हो कि जब सरकार बहुत ज़्यादा विकास करने लगी, डेवलपमेंट करने लगी, तो बहुत सारे मामले ऐसे आने लगे, वो अधिकतर मामले भूमि अधिग्रहण से संबंधित थे। हालांकि आप बहुत अगर एडवांस बुक को पढ़ोगे, जैसे लक्ष्मीकांत को पढ़ो, किसी को पढ़ो, तो उसमें लिखा है नवीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, है ना, तो उसमें ज़्यादातर इसी की चर्चा की गई। लेकिन खास बात यह कि इसमें ऐसे मामले हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा जिनकी नहीं किया जा सकता, जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता। मैटर यह था कि बहुत सारी जमीन सरकार को अधिकृत करनी थी विकास के लिए, और जब सरकार उस जमीन को अधिकृत करती तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय लोग थे वो न्यायालय में चले जाते थे, सरकार के लिए विकास करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के बाद ही कोई काम आगे होना था। तो एक अनुसूची लाई गई और उसमें ऐसे मामले डाले गए जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता, यानी कि जिस पर न्यायालय मौन है। अब अगर सरकार डेवलपमेंट कर रही है और भूमि से संबंधित कोई मैटर है
तो आप जानते हो नवीं अनुसूची में शामिल है। सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, बाजार मुआवजे के हिसाब से मुआवजा सरकार दे सकती है, यानी कि उस पर कोर्ट में आप नहीं जा सकते, न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी। सरकार क्या कर सकती है, किसी की भूमि को अधिग्रहण कर सकती। तो इसीलिए ये नवीं अनुसूची मुख्य रूप से बनी थी। हालांकि इसमें बाद में बहुत सारे ऐसे विषय डाले गए हैं जो न्यायिक पुनर्विलोकन से फिर मुआवजा, तो जैसे तमिलनाडु में जो आरक्षण है तो वैसे तो 50% से ऊपर नहीं हो सकता था, लेकिन तमिलनाडु में रिजर्वेशन हमारा 69% है और इसको भी आप संविधान की नवीन अनुसूची में डाल के किया गया ताकि उसका न्यायिक पुनर्विलोकन ना किया जाए। तो ऐसे मामले जिनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, ये नवीन अनुसूची में आपके मामले हैं। और इसमें बहुत सारे मामले भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं और भी मामले। खास बात अब आपको ये याद रखनी है कि उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है 24 अप्रैल 1975 को, 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है 2007 में, और उसमें उसने कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी कानून सम्मिलित किए जा गए हैं नवीन अनुसूची में उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो आप जान सकते हो कि वर्तमान स्टेटस में नवीन अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। खास बात यह है कि 24 अप्रैल 1975 के बाद के मामले हों। जो हमारी 10वीं अनुसूची है ये आपकी दल बदल से संबंधित है और ये जोड़ी गई है हमारी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। जानते हैं कि जिस शुरुआत में क्या था कि सरकारें चलती रही, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे दल जो हैं वो आपस में बदलने लगे। पता चला चुन के जाते थे, बाद में अपना दल बदल लेते थे, तो इससे क्या है कि प्रशासन को चलाने में बहुत मुश्किल आने लगी। कई बार लालच की वजह से दल, तो सरकार ने दल बदल विरोधी कानून लाया, यानी कि ये 10वीं अनुसूची जोड़ी, इसे दल विरोधी कानून कहा गया। और इसके तहत अगर कोई भी सदस्य दल बदलता है तो उसकी जो संवैधानिक बाध्यता जो पद है उसका एक तरह से सदस्यता है, संवैधानिक सदस्यता उसकी रद्द कर दी जाएगी। और बाद में इसे और भी कठोर किया गया, हम इसके विषय में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में है और ये हमारे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका 101, 102 और 191 है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी संविधान की 11वीं अनुसूची है आप जानते हो पंचायतों से संबंधित है, तो इसमें कुल 29 विषय कई बार पूछा भी जाता है। इसमें अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, तो ये आपकी पंचायत से संबंधित है। जो आपकी 12वीं अनुसूची है इसमें कुल 18 विषय हैं और इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये कुल अनुसूचियाँ थी। देखिए एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अनुसूची से संबंधित जो प्रश्न आता है उसमें कई बार आपसे पहले यही पूछ लेते हैं कि 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया, 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया, भाषा किस अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है। इसका याद रखने का एक अच्छा तरीका यही कि आप इसके लिए एक ही शब्द आप ले लीजिए। जैसे हमने कहा संविधान की जो पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो संघ राज क्षेत्र, तो केवल इतना याद रखिए राज्य और संघ राज क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में किसकी बात की गई, तो आप सीधा एक शब्द याद रखिए वेतन, तो वेतन किसका होगा, सरकारी प्राधिकारी, तो वेतन शब्द याद रखिए। तीसरी के शपथ याद रखिए, चौथे के लिए आप राज्यसभा में स्थानों का आवंटन याद रख लीजिए। जो पाँचवीं हमारी अनुसूची है उसमें SC ST एरिया याद रखो, छठी में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम याद रख लो, सातवीं में विषय याद रख लो केंद्र राज्य के विषय तो हैं, आठवीं आप भाषाएं याद रख लो, नौवीं में आपके कुछ अधिनियम हैं जिनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, और दसवीं में आप दल बदल एक शब्द याद रख लो, ग्यारहवीं में आपकी ग्राम पंचायत, बारहवीं आपकी जिला पंचायत। तो आपको इस तरह से याद आसानी से रख सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। अब देखिए कभी आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खासतौर से छठी अनुसूची से जो प्रश्न आता है उसमें यही पूछते हैं कौन से राज्य इसमें शामिल है, तो आपको याद रखना है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। कई बार क्या होता है आपसे जैसे IAS में जो टेंथ क्वेश्चन बनता है उसमें कुछ और भी चीज़ें आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ पर अगर आप इसके बारे में कमांड रखते हैं तो उसे भी हल कर लेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया कि अभी जम्मू कश्मीर बना है तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ा, अभी मैंने आपसे कहा कि संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है संघ राज क्षेत्र और राज्यों के बारे में प्रावधान कहाँ पर है, तो पहली अनुसूची। लेकिन आप सोच के देखिए क्या पहली अनुसूची है सिर्फ, क्योंकि आपसे तो ऐसे देते हैं पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी, एक और दो, दो और तीन, तो आप साथ में अगर चौथी अनुसूची दे दी है तो चौथी अनुसूची भी सही हो जाएगा, क्योंकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में प्रावधान है। तो आपको याद रखना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में प्रावधान है, तो चौथी अनुसूची भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए पहले जितनी सीटें थी अब तो उतनी सीटें नहीं रहेंगी ना, वो राज्य छोटा हो जाएगा, नया राज्य बनेगा तो उसको राज्यसभा की भी सीटें मिलेंगी, तो पहली और अनुसूची में चौथी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। फिलहाल संविधान की अनुसूचियों के बारे में इतना ही। कभी मैं बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि इस तरह से सारी चीज़ें संभव नहीं, विस्तार से संविधान की अनुसूचियों के विषय में आपसे चर्चा करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।